मोबाइल का टावर लगवाउन नू लेके दो तिरा आमो सामने होईयां ने नौबत इत्थों तक आ गई कि एक दूजे दे उत्ते इट्टां रोड़ियां दे नाल हमला कर दिता गया, जिस दे विच कहा जा रहा है कि दो लोग गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने। तां मामला अमृतसर तों सामने आया। हालांकि इस संबंधी एक धिर दे राहुल सलवान ने दोष लाया कि उन्हां दे इलाके दा राजीव शर्मा जो कि अपने सोहरे दे मकान विच मोबाइल टावर लगा रहा सी, जिसका विरोध कई बार इलाका निवासियों वालों किया गया पर वह नहीं टलिया। अज भी उसने 15 तो 20 नौजवानों को बुला के टावर लगाने की कोशिश की, जिसके विरोध करने वाले इलाका निवासियों से उन्हां वालों इट्टा रोड़े चला दिए गए, जिस कारण कई लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है तो मौके के उत्ते हुण पुलिस पहुंची है तो इसकी जांच की जा रही है। दूजे पासे दूजी धिर तो मोनिका शर्मा वालों इन्हां दोषां नूं सिरे तों नकारिया अते कहा है कि राहुल सलवान अते इलाके दे कुछ नौजवानों वालों उन्हां दे घर दे गेट दे उपर आ के दातर मारे अते इट्टां रोड़ियां दे नाल हमला किया गया। तो दस दिए कि दोवां धिरां दे वालों एक दूजे दे उत्ते इल्जाम लगाए गए ने। फिलहाल मौके दे उत्ते पुलिस पहुंची है तो पुलिस दे वालों इस मामले की जांच की जा रही है। इट्टा रोला इस तरह कि एक राजीव शर्मा जी है उन्होंने इनलॉस का अपना मकान है हड्डी गली दे, एक टावर लवा रहे जो अपना मोबाइल टावर जो होंगे। तो असी लास्ट टाइम भी इन्होंने साल पहला एक भी इन्हों का विरोध किया कि तुम अपना ये जो टावर लवा रहे हो किसी की परमिशन के नाल लवा रहे हो कि अपना, उदों भी इन्होंने हड्डी गली दे कुछ मतलब कि जोड़े भाजी से अपने राजीव शर्मा जी उन्होंने बेटे ने विरोध किया इस चीज़ का। इन्हों का ऑलरेडी इन्होंने की किया कि उदों तो टावर बंद हो गया, इन्होंने अपने मोहतबर बंदे सदे संजीव खोसला जी ने सद्या से, उदों भी उन्होंने समझाया कि जे गली की परमिशन हैगी है तो टावर होएगा नहीं तो नहीं होएगा। तो उदों भी इन्होंने केस ऑलरेडी चल रहा है। अज इन्होंने बड़ी बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है जी, बाहरों बंदे बुला के विदाउट एनी परमिशन के बंदे चढ़ा के, तो वह बंदे आ के गली ने विरोधता की, तो उन्होंने अगरों हाथी पै गए इट रोड़ा चला जिद किरण शर्मा तो रणजीत शर्मा जख्मी हो गया। तो राजीव शर्मा ने किरण शर्मा की इट मारती है कोठे तो। किन्ने लोग से जड़े आए थे? 10 तो 12 जी। हाँ जी, मौके पर एस एच ओ साहब आए हैं, 112 से कॉल की है जी। एस एच ओ साहब ने सारे जो देखा जा रहा कि ऑलरेडी मुंडे सारे जो क्रिमिनल निकले है रिकॉर्डेड है। हाँ जी, महल्ले सारे विरोध कर रहे हैं। असी आके उन्होंने पहला भी कहा, हूँ भी कह रहे हैं जे तुम्हें परमिशन है उन्होंने परमिशन रिटर्न दिखा दो तो लगवा लो, परमिशन हैगी नहीं है, बदमाशी तो उतर आए हैं। तो अज देखो कि इट रोड़ा चलाया, बहुत ज़्यादा नुकसान होया, काफ़ी जानी मानी नुकसान होना, तो कई ने लोगों ने बच्चिया ने लेडीज ने भज के जान बचाई अपनी। हाँ जी, थोड़ी जी बहुत वीडियोज है जी, उदा मौके पर जनाब होने जो बुलाएंगे एस एच ओ साहब देवे। सा झगड़ा जी किसी ना आंढ़ गुआढ़ नहीं है जी, सिर्फ एस जय किशन है साढ़े सामने गुआढ़ी ने रणजीत सिंह रणजीत कुमार, तो इन्हों का बेटा शिवम है, एक इन्हों की वाइफ है किरण शर्मा। ये आए दिन साढ़े कोई ना कोई पंगा लेंदे रहते हैं, तो मोहल्ले लड़ाई झगड़े आम चलते हैं। सर साढ़े घर वाईफाई का बूस्टर लग रहा जियो का उपर, तो इन्होंने बोले साढ़ा काम चल रहा, तो इन्होंने बाहरों गुंडे बुलाए, मुंडे बुला के उन्होंने हाथ दातर से इटा से, तो उन्होंने चलाइया आके गेट में भन्या, भन तोड़ की गई है। तो सारे इन्होंने बहुत नजायज़ किया, मतलब इन्होंने कोई कंप्लेन सी तो ये पुलिस स्टेशन जा सकते सी, उत्थे जाके कंप्लेन करते। नहीं सर, यह कोई गल नहीं है, बिल्कुल चेक किया साडे वालों कोई गल नहीं, पहल नहीं हुई, पहल इन्हों वालों हुई है, जो भी पहल की गई है इन्होंने वालों की गई है। सर नहीं, कोई मुंडा नहीं आया, तुम बेशक चेक कर सकते हो महल्ले के कैमरे कि इन्हों वालों मुंडे 25-30 मुंडे मोटरसाइकिलों पर आए हैं, जिन्होंने आते इटा चलानी शुरू करती, तो गाली गलोच किया, बहुत ज़्यादा गंदिया गाला कटते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हों मतलब बोलने की सेंस नहीं हैगी भी किस तरह बोलीगा। सर मैं प्रशासन तो यह मंग करती हाँ कि जो भी इन्होंने खिलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए, एक राहुल सलवान है, एक अपना किरण शर्मा हैगी वाइफ राजू की, नाले का बेटा शिवम, तो जय किशन, जो कि इन्होंने महल्ले आंतक मचाया हो, आए दिन इन्हों कंप्लेन थाने रहा, बेशक तुम जाके थाने पता कर सकते हो। हाँ जी सर, पुलिस वाले आए बाद उन्होंने गलबात हुई है, तो साड़ी यो मंग है कि इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए बनती, क्योंकि पहल हर काम इन्होंने वालों किया गया है। तो वेखो जी, ये टावर लगन तो झगड़ा आया, वो संबंध से अं मौके पर पहुंचे हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्हों मतलब की है डिटेल सारा वेख रहे हैं, जे जिन्हें जाति की खिलाफ कार्रवाई करा। झगड़ा सट फेट लगी, यू वेख रहे हैं जी, एक तो लगी है सर चो,
ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀ।